हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके हमें बता देना। तो फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ठीक है। आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आता है, एवरेज स्पीड आता है, ये सारा कुछ आता है। तो हम एवरेज स्पीड को अगले पार्ट में देखेंगे। इसमें केवल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर हो रहा है तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मोशन को। किसे? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन क्या होता है? कैनेमेटिक्स होता है, यानी कि मोशन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कैनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या कि देखिए, रेस्ट एंड मोशन, और होता है डिपेंड ऑब्जर्व फॉर्म, ठीक है। देखिए, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर और फॉर्म पे, ठीक है। ऑब्जर्वर कैसा है उस पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो इसके लिए हम आइए उदाहरण से आपको बताते हैं, क्योंकि इसे बोलने से नहीं होता है, ठीक है, करके दिखाना पड़ता है। तो देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यह एक रास्ता है, या कुछ भी समझ सकते हैं इसको आप, ठीक है। यहाँ पे जो है एक कार चल रही है, कार चल रही है 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। कितने की रफ्तार से? तो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कार चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये है 400 मीटर प्रति प्रति मिनट, ठीक है, 400 मिनट प्रति मिनट जाता है, ठीक है। और यहाँ भी एक ठेला गाड़ी मान लीजिए जा रहा है, इस पे आदमी बैठा है, ठीक है, इसको चला रहा है। और ये भी है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एक बस है, ठीक है, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी है जो रुका हुआ है, यानी कि रुका हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है या खड़े हैं, जो भी समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 20 मीटर प्रति मीटर की रफ्तार से तो जा रहा है, ठीक है। ये मोशन में है या रेस्ट में है? तो देखिए, किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर, यानी कि देख कौन रहा है, किसके तुलना में हम कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम इस आदमी, इस ठेला वाला की तुलना में हम इसको देखें तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट या मोशन में? तो देखिए, ये भी 20 मीटर से जा रहा है, ये भी 20 मीटर से जा रहा है। मान लीजिए कि ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, एक ट्रेन इस पे आ रही है और एक ट्रेन इस पे आ रही है, दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है, दोनों इधर से आ रही है, दोनों इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, ठीक है। तो क्या इसमें बैठा आदमी इस डब्बे में जो बैठा होगा, क्या इसको हाई नहीं बोल सकता है? इतना ही डिस्टेंस है तो हाई तो बोल सकता है ना। इसका मतलब ये है कि ये आदमी अगर ये इसको बोल सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट में है। अगर ये आदमी यहाँ पे है और ये आदमी यहाँ पे, अगर ट्रेन इधर भाग रहा है तेजी से, तो इसका मतलब ये ट्रेन इसके तुलना में मोशन में है। यानी कि अगर ये 20 मीटर प्रति रफ्तार से ये भी प्रति सेकेंड जा रहा है और ये भी जा रहा है, यानी कि ये इसके तुलना में अगर इसको देखे तो ये क्या है, रेस्ट में है। अगर इसके तुलना में इसको देखे तो ये भी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर इसके तुलना में हम हवाई जहाज को देखे, एरोप्लेन को देखे, तो देखिए, क्या हम यहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं और 20 मीटर के रफ्तार से जा रहे हैं?
और यहाँ पे हवाई जहाज है, हवाई जहाज 400 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हम इसके पसंदर को और ये आदमी है बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है, ठीक है। और यहाँ पे 10 मीटर का है, तो 10 मीटर दूर ये जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये बस। और ये जा रहा है 20 मीटर, तो इसके प्रति ये क्या है, यानी कि अगर मैं इससे देखूँ तो सारे के सारे क्या है, सारे मोशन में है, ठीक है। और देखिए ये आदमी खड़ा है बेचारा, ठीक है, ये ना चल रहा है ना कुछ, और ये देख रहा है कि यहाँ पे बस जा रही है, यहाँ पे बैलगाड़ी जा रहा है, यहाँ पे ये कार जा रहा है, और एक एरोप्लेन उड़ रहा है। तो क्या ये देख रहा है कि सब अपना अपना काम कर रहा है, यानी कि सब मोशन में है, ठीक है, सब मोशन में है, यानी कि ये क्या है, और इस सब के तुलना में ये क्या है, रेस्ट में है। यानी कि एरोप्लेन को अगर आदमी से तुलना करे तो ये आदमी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। और कार का भी तुलना करे तो रेस्ट में है, ठीक है, ठीक है। इस सब के लिए क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये, इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर, हटाइए इस, ठीक है। अब चलिए हम ये तो समझ गए होंगे, अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यह एक क्या है, यह एक रास्ता है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं प्लेन से, कैसे, प्लेन से, तो 220 किलोमीटर होता है, ठीक है, 220 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और ये कितने समय में हो रहा है, 0.5 आवर, यानी कि आधा घंटा में आ रहा है, आधा घंटा में हो रहा है, ठीक है। वहीं पे एक आदमी जा रहा है बस से, तो उसको इतना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है 300 किलोमीटर, और ये जा रहा है 8 घंटा में, ठीक है, ये हो गया बस, ठीक है, ये क्या है, बस से। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस इसमें क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि कार के लिए ये तो प्लेन है, प्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्लेन के लिए, देखिए डिस्टेंस वो होता है जिसको हम ज़्यादा दूरी में तय करते हैं, यानी कि एक जगह जाना तो यहाँ से यहाँ ही है, बस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके गया, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें बस के लिए, तो यहाँ से यहाँ अगर चले जाते, यहाँ से यहाँ एक रास्ता होता जाने वाला, तो ये क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट हो जाता, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस बस का, डिस्टेंस बस कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जा रहा है, 300 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस क्या होता है तो चलिए इसके बाद बताएंगे, लेकिन बता देते हैं, पाथ की लेंथ होता है, यानी कि जितना दूरी वो तय कर रहा था, कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वो होता है फाइनल पॉइंट, ये तो फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और देखिए डिस्टेंस बस और डिस्प्लेसमेंट बस का, डिस्प्लेसमेंट का बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, तो देखिए ये कम दूरी कहाँ पे तय करेगा, यहाँ से यहाँ जाने में, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 220, तो 220 किलोमीटर हो जाएगा। इसी में अगर एरोप्लेन के लिए बात करें हम, प्लेन का क्या डिस्टेंस, अगर प्लेन का हम डिस्टेंस का बात करें, तो ये कितना, पाथ के लेंथ क्या है, 220 किलोमीटर, और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 220 किलोमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लेन इस रास्ता से ही जाएगा फिर, ठीक है, इस रास्ता से ही इसको आसान पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके तो नहीं जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका जो पाथ के लेंथ है वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और व्हीकल जोड़ दूँ,
यानी कि ऐसे करके ऐसे एक और गाड़ी जा रही है, कार कार जा रही है जो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस बात करता है, ठीक है, जो 400 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचता है ए से बी, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कार ये हो जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक है। समय कुछ भी लग सकता है, ठीक है, समय से हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। और देखिए कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार तो ये हो जाएगा कितना, ये कम दूरी कितना है 220 किलोमीटर, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अंतर समझते हैं क्या है और क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी आएंगे तो क्या नेगेटिव कहेंगे, नहीं कहेंगे, कि नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो क्या नेवर बी नेगेटिव, यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो ये क्या बी, ये प्लस यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बात करें कि ये डिस्टेंस डिक्रीज कम नहीं हो सकता, क्या नेवर्स डिक्रीज, ठीक है, वहीं पे ये कैन डिक्रीज, ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, कम हो सकता है, ठीक है। और ये जो होता है डिस्टेंस जो होता है वो पाथ का लेंथ होता है, पाथ लेंथ, लेंथ, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, अब दिख रहा, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बड़ा या बराबर होता है किससे, ऐसे होता है चिन्ह इसका, बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे समझ गए ये, यानी कि डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का बड़ा, डिस्टेंस के बराबर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और डिस्टेंस से यानी कि डिस्टेंस से छोटा भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आइए अब इस पे हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल है वो 10 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, 8 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ये सब होता किधर है। तो देखिए ये ग्राफ होता है इस तरह से, ये वाला जो होता है नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नॉर्थ जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कितना 10 मीटर, फिर
फिर ईस्ट जा रहा है, तो ईस्ट किधर है, इधर है, इधर कितना जा रहा है, 8 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, पाथ की लेंथ होती है। पाथ की लेंथ किधर है, 10 मीटर जा रहा है, 10 मीटर यहाँ तक, फिर 8 मीटर यहाँ तक, यानी कि पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी, पाथ की लेंथ क्या, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, 10 प्लस 8 बराबर 18 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में कोई झोल नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ से यहाँ जाने की नज़दीकी दूरी क्या होगी, तो ये होगी नज़दीकी दूरी, क्या होगी, ये होगी नज़दीकी दूरी। तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज लग रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें पी बी पता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस बराबर फार्मूला क्या होता है, एच बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए बराबर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, तो देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस, यहाँ पे 100 प्लस, और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर का 164। इसे सॉल्व नहीं करना है, इतना ही रहने देना। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर का 164 मीटर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब और भी एक दो क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, तो कोई भी पार्टी का 8 मीटर ईस्ट जा रहा है, 6 मीटर साउथ जा रहा है। ठीक है, साउथ जा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले तो ईस्ट जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट, यानी कि ईस्ट किधर है, इधर जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, 8 मीटर। अब साउथ, साउथ तो नीचे है, तो नीचे कितना जा रहा है, नीचे जा रहा है ये 6 मीटर, यानी कि यहाँ से आने के बाद 6 मीटर नीचे चला गया। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा क्या, डिस्टेंस तो 814 मीटर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देने से ही डिस्टेंस आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, इन दोनों का स्क्वायर करके, रूट करके स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने की रास्ता क्या, यही होगी। ठीक है, तो ये तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। और इसमें क्या करना है, हमें एच का मान निकाल देना है, एच बराबर वाट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा, 100, और 100 का निकालेंगे तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसी तरह से और भी देखते हैं, दो तीन प्रश्न और भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इस बार लेवल अप करके लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर साउथ नॉर्थ जा रहा है, 4 मीटर वेस्ट जा रहा है, और 3 मीटर अप यानी कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो ऊपर कितना जा रहा है, 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए वेस्ट जा रहा है, तो वेस्ट किधर है, इधर है, इधर कितना जा रहा है, 4 मीटर। अप किधर जा रहा है, अप यानी कि ऊपर कितना जा रहा है, 3 मीटर। तो देखिए ये तो 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, यानी कि ये किससे, घन घनाभ आपने पढ़े होंगे, तो आयतन कैसे निकालते हैं, अगर एल बी एच दिया रहे तो घन का आयतन निकल जाता है ना, उसी तरह से यहाँ भी निकालना है। लेकिन घन यहाँ पे हम अगर बनाए ऐसे करके, ठीक है इस तरह से, ठीक है ये एल हो गया, ये बी हो गया, और ये एच हो गया। ठीक है, सब का मान दिया गया है, तो आयतन कैसे निकलता था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, यही लगाना है। डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12, डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यही अंडर रूट का L² + B² + H² बाय, उल्टा सीधा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूला से अगर तीन चीज़ दिया रहे आपके सवाल में, ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए L का स्क्वायर करेंगे तो L का मान कितना है, L का मान, ठीक है, यानी कि तीनों का स्क्वायर कर देना, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5√2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5√2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से और भी ले लेते हैं, अब और लेवल अप करके सवाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि 4 मीटर कोई भी पार्टिकल है नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जा रहा है 8 मीटर ईस्ट, उसके बाद 5√2 जा रहा है साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दोनों के बीच से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर मान लीजिए जा रहा है यहाँ पे 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद किधर जा रहा है, ईस्ट, तो ईस्ट किधर है, इधर है, इधर कितना जा रहा है, 8 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ग्राफ बना दूँ, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि साउथ और वेस्ट जा रहा है, साउथ और वेस्ट, तो देखिए साउथ और वेस्ट किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए वेस्ट ये है और साउथ ये है, तो दोनों के बीच वाला यही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, आधा के कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, और ये जा कितना रहा है, तो 5√2 जा रहा है, 5√2 जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे 8 5 5 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos 45। अगर cos 45 डिग्री का निकाले तो वो इतना ही आएगा। ठीक है, 1/√2 होता है, cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 निकल जाएगा। ठीक है, उससे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5√2 = sin 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये देखिए 5 - 5 क्या हो जाएगा, 5 i cap - 5 j cap। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे 5 j cap। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 j cap, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 i cap, 8 i cap लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 j cap 4 j cap। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो सबको जोड़ देना है, इन सब को जोड़ देना है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, सबको जोड़ देना है, पहले 4 j cap को जोड़ देंगे प्लस यहाँ पे और क्या है, 8 i cap प्लस यहाँ पे माइनस का 5 i है। ठीक है, तो माइनस का 5 i cap और माइनस का 5 j cap हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 i cap में से 5 i cap गया, 3 i cap बचा। ठीक है, माइनस 4 में से 5 गया, तो 1 माइनस का i j cap हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 i cap - j cap, आई कैप यहाँ पे कैप को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से करना पड़ता है।
तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 + 1 इजिकल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा, 3 तिया कितना हो जाता है, 9 और 1 10, √10 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो फिर भी कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।